हिंदू भक्त है, अंधे है वो तो उनको तो बस मोदी मोदी दिखता है, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा हम तो उसको बोलेंगे। मुझे तो सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। मीडिया क्यों नाम दिया गया आपको पता है? पता है क्योंकि वो गोद लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के। जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पे कोई भी टोकेगा नहीं, बीच नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं टोकना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, पूरे कानून बता रहा हूँ, टोकिए मत बीच में, अब आप कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, पहले मेरी बात पूरी होगी। ये किसान जो है सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये देना चाह रहे हैं कि आप अगर संसद में सही फैसले नहीं करोगे तो किसानों को अपनी संसद खोलनी पड़ेगी। तो किसान संसद तो खोल चुके हैं, स्पीकर भी बैठा चुके हैं, तो क्या जो दूसरा स्पीकर बैठे हुए हैं क्या उनको सुन रहे हैं? क्या वो किसान की बात मानेंगे आने वाले वक्त में? जरूर मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे, कर लो जो कर सकते हो, हम तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे और MSP की गारंटी नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं हटने वाले, साफ साफ कह रहा हूँ मैं। क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आंदोलन नहीं करना है? क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है, कहीं भी बैठ जाओ, फोन लो, बुक्स पास रखते ही है, बुक्स को अपने साथ रखो, लगाया फोन, क्लास ली, बुक्स से जो भी पढ़ाई करनी है करी, जो कॉपी में लिखना है लिखा, बस अपना काम करो। आपने आपदा को अवसर बना दिया है। बिल्कुल कर दिया है, अगर इतना अच्छा है, अगर हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं तो लेंगे। अच्छा, किसान बार बार ये कहते हैं कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, 24 तक बैठेंगे। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा 24 तक? कुछ नहीं होगा, किसान अपने हकों की सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। ठीक है, अगर एक किसान जाएगा ना तो चार आएंगे, अगर एक अपना खेत पे जाता है तो उसके उधर गाँव से चार आएंगे लोग। आप अभी से जुड़ चुके हैं, मतलब आप छोटे हैं जिसे बचपन लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को जो कांग्रेस है और दूसरी पार्टी है वो फंडिंग कर रही है। हाँ। इसमें आपका क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? देखिए फंडिंग देखिए कुछ नहीं है, अगर वो यहाँ पे आके देखें, मुझे एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे फंड ले रहे हो, जहाँ पे पैसा ले रहे हो किसान कांग्रेस से कोई और पार्टी से, मुझे वीडियो दिखा दो। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो आप पे तो आरोप लगाते हैं ना ये सब चीज का? हाँ जी, वो भक्त हैं, अंधे भक्त हैं, अंधे हैं वो तो उनको तो बस मोदी मोदी दिखता है, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा हम तो उसको बोलेंगे। अंधभक्त पता है किसे कहते हैं? पता है क्या होता है? जो अंधा हो जाता है बस, उसको तो जिसकी भक्ति कर रहा है वही दिखता है। किसी की भक्ति में अंधा हो जाए वो अंधभक्त है। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, योगी जी कह रहे हैं कि अब तो उड़ जाओ, चुनाव आने वाले हैं। हम नहीं उड़ने वाले, तुम कुछ भी कर लो, तुमने इतनी कोशिशें कर ली इस आंदोलन को उजाड़ने के लिए, यहाँ से नहीं हटेगा किसान। अब तो कह रहे लखनऊ जाने के लिए, जा रहे हो क्या? जाएंगे, वो राकेश टिकैत जी होके भी आ गए, और वहाँ पर भी एक लगेगा हमारा, वहाँ पर भी आंदोलन स्थल होगा एक, वहाँ पर भी अच्छा रहेगा, उधर भी एक, जैसे ये गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर भी ऐसे एक या सारे बॉर्डर जैसे हैं वैसे लगाया जाएगा। अच्छा, राकेश टिकैत जी कहते हैं कि दवाई डोज देनी पड़ेगी, तो किस तरह का डोज देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? डोज तो देखिए जो चुनावों में इनको पता लगेगा, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना तो सबको पता लग जाएगा कि हमारी क्या डोज थी। अच्छा, गोदी मीडिया जो बोलते हैं लोग, गोदी मीडिया वो आपके बारे में जो दिखा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे देखिए किसी दुनिया की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया क्यों नाम दिया गया आपको पता है? पता है क्योंकि वो गोद लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के। जो गोद लेता है उसको ही वो ही सारा कुछ संभालता है। तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसे कि सारे किसानों को राकेश टिकैत जी ने गोद ले लिया? देखिए राकेश टिकैत जी भी एक किसान है, और ये सारे किसान नेता हैं, जितने भी यहाँ पे किसान है ना सारे किसान नेता हैं, इसलिए ऐसे ना कहा जाए। वो भी हमारे साथ है, वो भी अपने बस हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस वो है कि थोड़ा दौरे करते हैं, जगहों पे जाते हैं, और मैं अपने पिता श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1,00,000 किलोमीटर चला, हमने यात्रा करी, मैंने आपको इंटरव्यू में बताया हुआ है, और साथ जो जितने भी देख रहे हैं उनको पता भी है। अच्छा, यहाँ 90 साल के बूढ़े आ गए, 100 हाँ। साल के भी हैं, जवान भी है, और आप छोटे हैं, तो क्या आपकी टुकड़ी भी आने वाली है, तो आप छोटे छोटे हैं? बिल्कुल, अब एक जो पीढ़ी आएगी उसको भी पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और एक टीम होगी बच्चों की तैयार। अच्छा, एक मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि वो 12 साल का जो 8 साल का बच्चा है उनको MSP और कानून के बारे में क्या पता, जो वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे हैं बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे सब पता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, और जो दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर है, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। ठीक है, अब मैं कानून बताऊंगा। किसान नहीं, किसान का बच्चा बताए। हाँ, तो क्या हो गया, मैं भी एक किसान हूँ ना।
तो बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ। पर बीच में कोई भी, जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पे, कोई भी टोकेगा नहीं, बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको सारे कानून गिना दिए, अब इनके पॉइंट गिना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कानून था मंडी को लेकर। अब देखिए इन्होंने कहा है ऑल ओवर इंडिया में तुम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो जहाँ पे अच्छी रेट मिले। ठीक है, इसलिए अब ये वो किसान जो है वो पहले सबसे पहले गाड़ी करेगा किराए पे, फिर रास्ते में उसको डीजल देगा, डीजल भरवाएगा उसका खर्चा, फिर रास्ते में टोल देगा। ठीक है, और उसका इतना तो खर्चा हो जाएगा जितना उसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP की गारंटी दी जाए, जिससे अच्छे सही रेट मिलेंगे, जो तय रेट है उस पे मिलेगा। और अगर देखिए ये देखिए जो वो बेचारा, उसको शहर का रास्ता अच्छे से पता नहीं होता, वो कहाँ घूमता फिरेगा कि कहाँ पे अच्छी रेट मिल रही है। अब सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डालो। मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, पूरे कानून बता रहा हूँ, तो क्यों मत बीच में, अब आप कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, पहले मेरी बात पूरी होगी। ठीक है, अब दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज देखिए पहले एक लिमिट थी कि इतना आप स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब कहते हैं कि आप जितना मर्जी जाए स्टोर कर सकते हैं, ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा सारी फसल स्टोर कर ले। तो ये किसके पास है इतना पैसा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, वो जब सारे गोदामों में स्टोर कर लेंगे, वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहें बंद करेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। जैसे शैम्पू के पैकेटों में मिलता है ना वो शैम्पू, एक एक रुपये का, दो दो रुपये का, ऐसे बिकेगा फिर आटा, ऐसे बिकेगी चीज़ें किसान की उगाई हुई। अब देखिए अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताता हूँ। अब जो कंपनी है और एक जैसे किसान है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एक, और उस जो कागज होगा उसमें लिखा होगा कि जो आपकी रेट की, जो फसल की आपकी रेट तय है उस पर आपको मिलेगा, आपकी फसल बेचेंगे उस पर मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, ठीक है, या तो फिर वो मंडी में भटकता रहेगा कि भाई मुझे कहीं रेट 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 चाहिए, रेट चाहिए मुझे अच्छी। ठीक है, तो उसको जबरदस्ती फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब जिसको नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसलिए जो MSP की गारंटी है वो मिलनी चाहिए, जिससे अगर वो मंडी में बेचने जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी, उसको भी पता लग जाएगा, वो भी सहमत रहेगा, वो भी खुश रहेगा कि मुझे मेरी फसल की रेट तय मिलेगी। ये 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर Amazon, Flipkart और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।